बस चलो आराम से। हाँ कह दे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों अभी शाम के 3 बज रहे हैं और आज मैं देर से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे पुल के बगल में आई हुई हूँ, सोचा आज कुछ नई जगह से व्लॉग की शुरुआत की जाए। और अभी दुकान के ही बगल में मैं हूँ, तो दुकान में कोई ग्राहक आएंगे वो भी मेरी नज़र उधर साइड को भी है और थोड़ा नज़र इधर साइड को है जहाँ पुल का काम चल रहा है। तो पुल वाले भैया लोग आजकल पुल लगाने की शुरुआत करने लग गए हैं। परसों तक किनारे से 2 खंभे तो पहले ही लगा दिए थे उन्होंने और कल तक ये रस्सियाँ लगाई थी इन्होंने जो मेरे पीछे साइड दिखाई दे रही हैं, और आज वो थोड़ा थोड़ा करके पुल का सामान ऊपर उठा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद आऊँगी मैं, आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये लोग सामान को ऊपर लेते हैं, मतलब लोहे को ऊपर उठाते हैं करके। तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में। तो दोस्तों वेदू लोगों के जाने के बाद मैंने अभी अभी नाश्ता करा है। आज मम्मी ने सुबह मेरे लिए आलू रख दिए थे, सुबह के टाइम पर दाल चावल के साथ मम्मी ने आलू भी बनाए थे। तो मम्मी ने कहा दिन में तू कुछ खाती नहीं है तो आज आलू ले जा करके, वैसे तो रोज़ कुछ ना कुछ रख देती है, मेरा मन नहीं करता खाने का। तो आज मैंने आलू गरम करके खाए चाय के साथ और अभी फ़िलहाल चाउमीन बना के बस फ्री हुई हूँ। 3-4 हाफ चाउमीन भी चले गए। दोस्तों दुकान में बैठी हुई थी तो अभी ऊपर पतकुड़ा वाले गाँव के गोपाल जा आए और जिनके यहाँ मैं परसों बारसी में गई थी, तो उनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई है, परसों कल उनके यहाँ सगाई थी बोल रहे थे। तो अभी अभी वो हमें मिठाई देके गए हैं और अब हमारे गांव में शादियों की शुरुआत होने लग गई है। परसों को 4 तारीख को एक शादी है इन्हीं की फैमिली में, जहाँ हम लोग परसों गए थे उन्हीं की फैमिली में 4 तारीख को है, ये बोल रहे थे हमारे यहाँ अप्रैल में है करके। तो अभी वो हमारे लिए मिठाई लेके आए थे और एक निमंत्रण परसों का आया है मेरे को, जो तोला गांव है हमारा जहाँ मैं पिछली बार शादी में गई हुई थी वहाँ वाले गाँव से आया हुआ है 23 तारीख का। तो 23 को वहाँ बारसी है सैलू के पापा की, वहाँ भी जाना है। मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मेरे को गांव में जाना पड़ेगा दोबारा करके, तो अच्छा है मेरी मम्मी मेरे साथ है अभी वेदू को देखने के लिए, मम्मी यही है, मैं जाऊंगी उनके वहाँ। और 23 तारीख को वहाँ जाएंगे, फिर 24 तारीख को इंटर कॉलेज के ग्राउंड में है शादी, लेडी संगीत में जाऊँगी मैं, दुकान थोड़ी देर दुकान खोलूँगी उसके बाद फिर जाऊँगी। तो शादियों की शुरुआत होने लग गई है, कुछ टाइम बाद अप्रैल में मेरे मायके में भी शादी है, वहाँ की तो अलग ही खुशी होती है, खैर मायके की शादी की तो अलग ही खुशी होती है। और अभी स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो चुकी है, कुछ कुछ बच्चों के आजकल पेपर चल रहे हैं, इंटर कॉलेज में तो सबके पेपर होने लग गए हैं क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं, तो सब लोगों की छुट्टी हो गई पेपर वगैरह होने के बाद। और वेदिका मैडम भी स्कूल से घर चले गई हैं, अब मम्मी और वेदू तो घर चले गए, थोड़ी देर बाद मैं भी जाऊँगी जो बगल में नदी में जो नेपाली भैया लोग रहते हैं काम करते हैं उन लोगों को लेके जाऊँगी, क्योंकि आज उनसे मैंने अपना मटर का जो आधा खेत जो बचा था वो खुदवाना है। थोड़े बहुत भैया लोग तो चले गए हैं आज, 9 नेपाली भाई लोग चले गए हैं, 2-4 और बच रखे हैं, तो उनको मैंने बोला है कि आप चल लोगे करके मेरे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मिलते नहीं है ना ऐसे काम करने के लिए कोई, तो मैंने सोचा है कि इन्हीं को ले जाऊंगी करके। तो देखते हैं शाम तक क्या होता है, आप लोग बने रहिए व्लॉग में। तो शाम के बज चुके हैं 4:30 और धूप जाने के टाइम पर आज थोड़ा सूरज भगवान के दर्शन हो गए हैं, सुबह से बारिश आने का मौसम हुआ था और अभी देखो कितनी खिली खिली सी धूप आई है, उधर साइड का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। और सामने रही हमारी दुकान, बार बार इधर साइड के चक्कर लगाते हुए बार बार यहाँ को आ रही हूँ देखने के लिए कि कितना काम कर दिया है इन्होंने, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे काम चल रहा है जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है भैया लोग वहाँ पे वो बना रहे हैं एक प्लेन प्लेन पट्टा टाइप का जिसमें उसको खड़ा कर सकें, वो जो लोहे का वो दिख रहा है ना उसको खड़ा करेंगे इसका बैलेंस बनाने के लिए, जो ऊपर पुल का पट्टा लगाया है उसका बैलेंस बनाने के लिए। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं मुझे दुकान में रहते रहते, और अभी मैं फ़िलहाल अपनी दुकान में जो दूसरे दिन के लिए मुझे पानी चाहिए होता है वो भरने के लिए जा रही हूँ, और 2-3 बाल्टियाँ मैंने रख दी हैं वो मैंने रखनी पड़ती हैं दूसरे दिन के लिए, क्योंकि पीने का पानी सुबह नहीं मिल पाता है। तो पहले सोचा कि मैं उनको भर लूँ, और आजकल थोड़ा देर से अंधेरा हो रहा है, मतलब लंबे दिन होने लगे हैं, बड़े दिन होने लगे हैं, तो थोड़ा देर देर से जाती हूँ
पहले पानी वानी भरती हूँ, बर्तन वगैरह तो मैंने सब धो लिए हैं और मेरी बाल्टी भी भर चुकी है जो मैं यहाँ लगा के गई थी, तो इसको ले जाते हैं, उसके बाद दुकान बंद करके फिर चलेंगे घर को। हमारे गांव में, ऊपर वाले गांव में, ऊपर तोला गांव में इस तरीके से सामान ले जाते हैं। 24-23 तारीख को जहाँ बारसी है वहीं का सामान जा रहा है। तो देखो ये देखो सारे के सारे घोड़े कैसे लदे हुए जा रहे हैं। आती तो मैंने तुम्हारी मम्मी से पूछा था ना काबे करके, 10 का 1 पूरा चाहिए तुम्हें। इस बार मैंने इसीलिए नहीं लिया 10 वाला, तुम पूरा का पूरा उठा के ले जा रहे हो, बताओ। तो 5 वाले हैं, कमीशन नहीं खा रही हूँ। सैलू तुमको दिख रहा है सब उसमें, दोस्तों ये लड़ाई करने लग गए मुझसे। अरे सॉरी, 3 मैगी, आई एम सॉरी। 120 रुपये ये हो गए और 30 रुपये ये हो गए। बराबर हाँ, अब क्या दूँ? कमला पसंद, लो ये थैली। झोला भी तो नहीं लाए होगे, 500 का खुला। कितने देने हैं बताओ? पूरा एक पूरा चाहिए होगा ना? 3 पैकेट ये। एक पीस, 2 पीस एंड 3 पीस। और क्या? पनीर, पनीर अब काट लो। दोस्तों घर को जाने लग गई हूँ, शाम के 6:30 बज चुके हैं और दुकान में जैसे ही बंद करने लगी तो वहाँ सैलू लोग आ गए थे। बताया था मैंने आप लोगों को कि जिनके पापा की बारसी है तो वो आ गए थे, थोड़ा सामान लेना था उन्होंने। तो पनीर के 2 लास्ट पीस बचे थे, मतलब पैकेट बचे थे, तो वो भी निकल गए हैं। अब जो है 2 दिन बाद मैंने भी उनके घर जाना है, फिर से ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। तो एक नया व्लॉग आएगा फिर से, नया गांव जाने वाला। आप लोग अभी फ़िलहाल बने रहिए, पहले घर चलते हैं, अभी घर वाला व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। तो मैं पहुंच चुकी हूं घर और अभी फ़िलहाल चाची को ये मिठाई देने के लिए जा रही हूं जो ऊपर गांव में से आई थी। तो दे देते हैं मिठाई, फिर चलते हैं ऊपर मम्मी के पास। लो जी, ये तो पतकुड़ा गोपाल चा की बेटी ने आग जलाई है और मस्त से बांझ की लकड़ियाँ जलाई हैं। कितने मस्त मस्त कोयले हुए, देखो कोयले भी बड़े मस्त हुए हैं। और यहाँ पे हरी सब्जी धोई है, पालक के इतने बड़े बड़े पत्ते ये। हाँ मैं प्यारी हूँ, अंदर चलो, मैं अंदर ही आ रही हूँ। मैं आपके लिए मिठाई लेके आई हूँ, ये ऊपर पतकुड़ा के एक बूबू लेके आए थे, बोल रहे थे वेदू को दे देना, शादी की मिठाई है ये। थैंक यू बोलो उनको, थैंक यू बूबू बोलो। चलो अंदर अब। हाँ बिल्कुल। तो इसमें है आपका गुड़, ये चीज जब हमारा कोई शुभ काम होता है तब भी खिलाई जाती है, इसको सिरनी बोला जाता है। तो ये गुड़ की डली है और बतासे भी रखे जाते हैं अच्छे काम की शुरुआत में। और ये मिठाई रही जो वेदिका मैडम खाएंगी और मम्मी अपनी बहन से बात कर रही है। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।
दोस्तों, घर आने के बाद मैंने व्लॉग डाला और उसके बाद दिया जलाने के साथ साथ मैं पीने लगी हूँ चाय। दिया जल चुका है और वेदिका मैडम की पूजा हो चुकी है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो अभी पी रही हूँ शाम की चाय। मम्मी बाहर से बना रही है सब्जी, आज आलू पिनालू और मटर की सब्जी बना रही है मम्मी, बॉईल करके, वो भी आलू और पिनालू को। तो अभी मिलेंगे आप लोगों से। तो अब है वेदू के होमवर्क करने का टाइम और ई से इमली लिखेगी आज वेदू। देखते हैं किस तरीके से भरती है वेदू मैडम। अच्छी से बैठिए और आराम से लिखिए। ऐसे बैठिए, ऐसे बैठिए, हाँ लिखिए। मम्मी ये तो मैंने बनाई है। गुड गुड, बनाइए। वीडियो को चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बाय। लाइक बाद में करेंगे, पहले लिख ले। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को, बड़ा इसको बनाओ, ये आले को बनाओ। आराम से बनाना, अच्छे से देखते हैं कैसे बनाते हो। इतना सर नीचे थोड़ी करते हैं वैसे। दूसरों की शिकायत करने वाली लड़की चित्राक्षी, चित्राक्षी बिस्तर में टॉयलेट करती है। बोल देखो दोस्तों, ये क्लासमेट की मजाक उड़ा रही है। ये देखो ऐसे करके करते पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ई से इमली, अब ई बनाओ। आपने हलवा बना दिया है यहाँ पे, इसको सही तरीके से बनाओ, जैसा ऊपर बनाया है वैसा बनाओ। कैसा बनाया है खाना नानी ने? मिर्च वाला है, मुझे तो टेस्टी लग रहा है। ये मैं खा लूं? तू है सांसों की हवा।